अगर आपके स्किन पे भी बहुत ही ज्यादा डार्कनेस हो गई है, झाइयां दाग धब्बे भी बढ़ते जा रहे हैं, स्किन का ग्लो खत्म हो गया है, तो आज का ये रेमेडी जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्चना और आज के इस वीडियो में आप लोग के साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो की इंस्टेंटली आपके स्किन को ब्राइटनिंग बनाता है, ग्लोइंग और चमकदार बनाने में मदद करता है। किसी भी शादी पार्टी या फिर तीज त्योहार में जाने से 30 मिनट पहले लगा लीजिए, स्किन में इतना ज्यादा ग्लो आ जाएगा कि सब देखते रह जाएंगे, इतना ज्यादा पावरफुल ये होम रेमेडी है। उसके लिए प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, और मेरे बताए गए तरीकों से अगर आप इस रेमेडी को बनाते हैं, लगाते हैं, तो आपके स्किन प्रॉब्लम्स गायब होते नजर आएंगे। आपको चेहरे पे अगर काले निशान है, बहुत ही ज्यादा डार्कनेस हो गई है, टैनिंग हो गई है, उन सबसे भी आपको छुटकारा मिलेगा और आपका स्किन एकदम घोरी चमकदार और बेदाग निखरी हुई दिखने लग जाएगी और शीशे के जैसी चमकती हुई स्किन हो जाएगी। बस 2-3 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, बहुत ही इजी तरीका आपको बताऊंगी, तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग के साथ शेयर करते हैं आज का ये होम रेमेडी जो कि है स्किन व्हाइटनिंग ब्राइटनिंग एट होम, और ये रेमेडी बहुत ही ज्यादा असरदार है सच में। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा मसूर दाल पाउडर। अगर आपके पास नहीं हो तो आप मसूर दाल को मिक्सी में पीस करके उसको छानकर इस तरीके से बारीक पाउडर ले सकते हैं। उसके बाद हमें लेना है बेसन 1 चम्मच के आसपास, और 1 चम्मच मैंने मसूर दाल का पाउडर भी लिया हुआ था। मसूर दाल बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए। और उसके बाद हमें चाहिए होगा ऑरेंज पील्स पाउडर, तो आप संतरे के छिलके को सुखाकर भी इस तरह का पाउडर बना सकते हैं। 1/2 चम्मच के आसपास हमने लिया संतरे के छिलके का पाउडर। उसके बाद कस्तूरी हल्दी 1/2 चम्मच, और आप किचन वाला भी ले सकते हैं अगर नहीं हो आपके पास तो। उसके बाद हनी हमें चाहिए 1/2 चम्मच के आसपास। फिर इसमें हम थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे, और जो भी इंग्रेडिएंट्स हम ले रहे हैं फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है हमारे स्किन के लिए, स्किन को ब्राइटनिंग ग्लोइंग और व्हाइटनिंग बनाने के लिए, और साथ ही स्किन की प्रॉब्लम्स भी खत्म होते हैं। इन सबको मिलाने के लिए हमें चाहिए होगा कच्चा दूध। कच्चा दूध की जगह आप दही ले सकते हैं, रोज वाटर भी ले सकते हैं, तो जो भी आपके स्किन के लिए सुटेबल हो वो आप लीजिए। इतना ज्यादा असरदार ये होम रेमेडी है, एक बार में ही आपको असर दिखने लग जाएगा, स्किन में इतना तेजी से ग्लो आएगा, स्किन शीशे के जैसे चमकदार दिखने लगेगी सच में। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको आपको लगाना है अपने फेस पे, लेकिन कैसे वो उसके लिए पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि एक भी स्टेप्स आप अगर मिस कर देते हैं तो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, और फिर आकर आप हमें कहेंगे कि वर्क नहीं किया। इसके लिए प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो थोड़ा सा रोज वाटर मैंने कॉटन पैड पे लिया और अच्छे से फेस को क्लीन कर लेंगे, इससे अच्छे से स्किन क्लीन हो जाएगा और जो भी रेमेडी हम अप्लाई करेंगे तो अच्छे से स्किन पे वर्क भी करने वाला है। तो उसके बाद हम करेंगे फेस पे स्क्रब और साथ में मसाज भी करेंगे। उसके लिए जो रेमेडी हमने तैयार किया था, ये पैक जो बनाया था, उसी में थोड़ा सा चावल का आटा अलग से तैयार करेंगे। चावल का आटा 1/2 चम्मच के आसपास हमने लिया, और थोड़ा सा और कच्चा दूध डाल करके और हल्के हाथों से हमें मसाज करना है। इससे क्या होगा, डेड सेल्स जो पड़े हैं स्किन पे वो निकल जाएंगी, साथ ही अगर स्किन पे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है वो सब भी खत्म होंगी, और स्किन जो डल है रूखी सूखी दिख रही है उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा, और स्किन टाइट और जवा बनने लग जाएंगी और एकदम खूबसूरत होने लगेगी। तो जो भी स्किन का डार्क एरिया हो वहां पे आप इस तरीके से हल्के हाथों से रब करते हुए मसाज करिए, तो स्किन बहुत ही तेजी से ग्लो करने लग जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी होगी, तो आप देखेंगे कि आपका स्किन बहुत ही ज्यादा ब्राइटनिंग दिखने लग गया है सच में। और चावल का आटा भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, स्किन को ब्राइटनिंग बनाने के साथ साथ व्हाइटनिंग बनाता है, स्किन के शेड को भी लाइटन करता है। तो इस रेमेडी को आप हफ्ते में 2-3 दिन जरूर लगाइए। उसके बाद हम पोछ ले रहे हैं इसको, और आप नहीं भी पोछे तो उस पर से आप ये रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हल्का सा मैंने पोछ लिया था। और उसके बाद मोटा सा लेयर लगा लीजिए और 20-30 मिनट के लिए रहने देना है अपनी स्किन पे। इस रेमेडी को आप अपने हाथ पैरों पे भी लगा सकते हैं हल्का सा रब करते हुए, और स्किन के कालेपन को दूर कर सकते हैं, नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और सच में बहुत ही ज्यादा असरदार ये घरेलू नुस्खा है। तो आप भी बनाइए और इस रेमेडी को ट्राई कीजिए सच में, और आप चौंक जाएंगे, और आकर अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स हमें कमेंट करके। और साथ ही मैंने आप लोगों के लिए एक ब्लॉगिंग वाला चैनल भी
क्रिएट किया हुआ है अर्चना झा ब्लॉग्स। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा प्लीज, आपका एक लाइक बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है हमें। और देख पा रहे हैं किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं हम, थिक सा लेयर लगा लिया, उसके बाद गर्दन पे भी लगा लेंगे और जो रेमेडी बच जाती है उसको हाथ पे भी मैं अप्लाई करती हूँ और सच में बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। और इसको लगाने के 20-30 मिनट के बाद देखिए कितना ज्यादा ये वर्क किया है। सो और इस रेमेडी को आप गर्मी के दिनों में भी लगा सकते हैं, ऑल स्किन टाइप्स है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं है, मेल फीमेल कोई भी लगा सकता है। तो इस तरीके से मैं लाइव आप लोगों के साथ दिखाती हूँ कि किस तरीके से वर्क किया है और सच में स्किन बहुत ही ज्यादा ब्राइटनिंग दिखने लग जाएगी एक ही बार में। और ये रेमेडी आपकी स्किन को टाइट भी बनाती है, यंग बनाती है, जवा खूबसूरत बनाती है और स्किन एकदम शीशे के जैसे चमकदार दिखने लग जाएगी। और देख पा रहे हैं फ्रेंड्स स्किन पे कितना ज्यादा ग्लो आया है सच में। और अगर आपके स्किन पे झाइयां दाग धब्बे भी हैं तो वो सभी दूर होने लग जाएंगे। हफ्ते में 2-3 दिन जरूर लगाइए इस रेमेडी को। अगर कोई भी इंग्रेडिएंट आपके पास नहीं हो, जैसे कि मसूर दाल पाउडर अगर आपके पास नहीं हो तो आप बना सकते हैं अपने घर पे, उसी तरह से संतरे के छिलके को सुखा करके उसका भी आप बारीक पाउडर बनाकर रख लें, उसे हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मसूर दाल स्किन के कालेपन को दूर करता है, झाइयां दाग धब्बे डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन जो होते हैं वो सब गायब होने लग जाते हैं। और उसके बाद हल्का सा हमने रोज वाटर स्प्रे कर लिया अपने फेस पे, एकदम तरोताजा आप महसूस करेंगे इस रेमेडी को लगाने के बाद और स्किन एकदम सॉफ्ट दिखने लग जाएगी, चमकदार दिखने लग जाएगी। हल्का सा मैंने कैस्टर ऑयल लिया है और थोड़ा सा वो थिक होता है, इस तरीके से डैब डैब करते हुए हम लगा लेंगे और इतना असर करता है सच में। अगर आपके स्किन पे किसी भी प्रकार के निशान है, दाग धब्बे, झुर्रियां, झाइयां, ये सब दूर होने लग जाएंगे। और फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। और कोई भी सजेशन, सलाह, रिक्वेस्ट जो भी आप चाहें हमें इससे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से हल्के हाथों से मसाज करेंगे। और अगर आप इस रेमेडी को दिन में लगा रहे हैं तो मॉइस्चराइजर के बाद सनस्क्रीन जरूर अप्लाई कीजिए। हर 3-4 घंटे पे सनस्क्रीन फेस पे लगाना चाहिए, इससे आपके स्किन पे डार्कनेस नहीं होगी, टैनिंग नहीं होगी, साथ ही झाइयां दाग धब्बे भी नहीं होंगे और इस तरह से खिला खिला स्किन रहेगा आपका, सॉफ्ट मुलायम और चमकदार स्किन। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।